सूबे विच ट्रांसपोर्ट विभाग की कारगुजारी नूं लैके तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस नूं लैके कपूरथला के ट्रांसपोर्ट विभाग के दफ्तर विच ग्राउंड जीरो तो स्थिति जानने से पता लगा कि हाल बद तो बदतर हैं। इत्थे अपने अपने काम लैके आए आम लोगों का कहना है कि किस तरह वो अपने विभागी कामों नूं लैके खजल खुआर हो रहे हैं। पहला तो ड्राइविंग ट्रैक और ड्राइविंग लाइसेंस वाहन की रजिस्ट्रेशन के होर काम इस करके बंद हैं क्योंकि दफ्तर के सर्विलेंस वाले कैमरे बहुत देर तो खराब हैं। दूजा स्टाफ की कमी है तो बहुत सारे विभाग के काउंटर खाली हैं। इत्थे ही वसनी विभाग वालों ड्राइविंग लाइसेंस चंडीगढ़ प्रिंट करके डाक राही लोगों के घर भेजे जा रहे हैं। यह योजना बुरी तरह फेल है। लोगों को डाक सुविधा राही लाइसेंस के होर दस्तावेज बहुत दिनों तक नहीं मिल रहे। लोगों के चलान भुगतान RTO दफ्तर में हो रहा है जो कि उन्होंने करीब 50 से 70 किलोमीटर तक का सफ़र करके जाना पैंदा है। इन्हां परेशान लोगों का कहना है कि सरकारी सहूलतों तो वो काफ़ी परेशान हैं। इस काम को लेकर लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पै रहा क्योंकि दो तीन महीने कोई भी चीज़ सानू मिलती नहीं है। असं जे DTO ऑफिस जाने तो उत्थे वो काम एज इट इज़ इदा ही पे हुए जिदे जिदा अज तो 2-3 महीने पहले पे सके तो काम कोई भी पूरा नहीं होंदा। सो इस चीज़ को प्लीज़ जे तुहाड़े थ्रू किसी चीज़ के उपर इस चीज़ को पकड़ बन सकती है तो प्लीज़ इन डाक थाने मिलने लग पे। पहले SDM दफ्तर के मिलते दोनों तो चंगा की SDM दफ्तर तो लैने चंगे सर SDM ऑफिस तो लैने चंगे क्योंकि डाक घर के अज डेट में लाइना लगी हुई हैं जी। बहुत ज़्यादा लाइसेंस उ पे हुए हैं तो उन्होंने कोई वाधा नहीं है उत्थे पिया तक क्योंकि 3-3 महीने दो तीन महीने पहुँचते ही नहीं है जिते उन्होंने एड्रैस है। एक होर है कि जेडे हुण चलान ने वो RTO दफ्तर होंगे ने पहला इतने लोकल ही हो जाते थे इतने लैके भी मुश्किल है भी 50-70 किलोमीटर जाना पैदा। बिल्कुल सर हूँ सानू चलान भुगतन वास्ते जलंधर जाना पैदा जी तो जलंधर जाने वास्ते सानू पहला अपना सारा दिन खराब करना पैदा तो वो चीज़ के साडा एक टाइम खराब है। एक साडा कोई गड्डी च जाने या असी बाय बस जाने सानू बहुत खज्जल होने जी तो इसी प्लीज़ ध्यान रखा जाए। मैं सर अपना ना लाइसेंस पक्का है मतलब हैवी ड्यूटी करवाना है तो उस बेस पर आया है तो मैंने कहता अज की डेट मिली सी भी तुम 9:30 इतने पहुँचना वा तो जब मैं इतने पहुँचा वा कहते भी किदा कैमरे सड़े पे अपने तो बाकी ये नहीं पता हूँ स्टाफ की कमी आ जा की प्रॉब्लम है ना ये अपने इस बारे नॉलेज नहीं गई करके होर भी कई आए मेरे नाल मैं कल्ला नहीं आया काफ़ी लोग मुड़ के जानते हैं तो हूँ ये तो आप पता भी नहीं कैमरे सड़े आ जा की होया पाया वा कैमरे सड़े टाइम टाइम मैनू कोई 10 दिन का दिता जी 10 दिन का टाइम दिता भी तुम 10 दिन के बाद आयो। अगला सवाल है कि जिस तरह कपूरथले जां किते आले दुआले अपन चलान हो जाता तो भुगतान वास्ते अपन जलंधर ऑफिस जाना पैंदा है। वो बहुत वड्डी दिक्कत है जी बहुत ज़्यादा वड्डी समस्या जो आप जलंधर जाना पैंदा की होना चाहिए इहदा हल ही होना चाहिए जी पब्लिक खराब होण दी है। इस संबंधी SDM कपूरथला नूं पुछिया तां उन्हां दा कहना है कि इह उन्हां दे ध्यान विच है कि कैमरे खराब हन होर मुश्किलों लिए चाहे वह स्टाफ की हो दस्तावेज की देरी की उसू दुरुस्त किया जा रहा है। पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लिया जा रहा है। देखो जो कोई ऑफिसर की ट्रांजिशन होंगी है तो कई बार लॉगिन के प्रॉब्लम आ जाती है बट नाउ इट इज़ स्मूथ नाउ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जी भी पेंडेंसी हैगी असी खत्म करता है। हाँ जी ये गल हैगी है कि कैमरा जो 4-व्हीलर टेस्ट नहीं हो पा रहे बट असी STC साहब ने अपराइज किया है तो वी आर होपिंग फॉर अ सोल्यूशन इन फ्यू डेज। बहुत सारी RCs थ्रू डीलर ऑफ जो कंपनीज है उन्होंने थ्रू अपलाई होंगी है असं उन्होंने कहोंगे कि जिमें RC साढ़े लॉगिन चु क्लीयर हो जाती है प्लीज़ उन्होंने जल्दी कलैक्ट करा लिया जाए साढ़े स्टाफ नाल एक बार कोऑर्डिनेट करके आई लास्ट माई स्टाफ ऑलसो जिदा किसी डीलर को प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने फटाफट जो लॉगिन चो निकल गई है तो वंस इट इज़ क्लीयर फ्रॉम माई लॉगिन शुड बी डिलीवर्ड सून। आखिरी सवाल है स्टाफ की कमी कितने कितने है गवर्नमेंट की ध्यान कर रहे हो? हाँ जी जो स्टाफ की कमी तो है बट वी विल नॉट लैट दिस कमी कम इन टू आर वर्क विल ट्राई टू डू इट आर वर्क वेरी एफिशियंटली। थैंक यू सर। कोविड की बीमारी दौरान पंजाब सरकार बिल्कुल फेल हो गई। हज़ारा मौतां पंजाब इसलिए हुई क्योंकि सरकारी हस्पतालों को ना ऑक्सीजन का ना दवाइयों का साधन सी। प्राइवेट हस्पताल लखां रुपये चार्ज करते सी।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।